Love seniors. Respect seniors. Love seniors. Respect seniors. Love seniors. Respect seniors. जय भारत माता की. जय भारत माता की. जय वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की. जय भारत. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. सर यहाँ बड़ों बड़े जोशों खरोश से मनाया जा रहा है. आज का दिन बेसिकली हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, ताकि एक अवेयरनेस फैला सकें पूरी सोसाइटी में कि सीनियर सिटीज़न के प्रति जूनियर सोसाइटी का काफ़ी रोल है. और जूनियर सोसाइटी वाले भी, स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमें बेसिकली ये एक यकीन दिलाने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, हमें प्यार करते हैं, और यही संस्कार पूरी वर्ल्ड में फैलते रहे, ताकि जो सीनियर सिटीज़न हैं वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें. यही आज का एक मेन मकसद है. थैंक यू. कंक्लूड हो जाएगी इस रैली में. हमारे साथ बच्चे भी शामिल हैं, जो जिनको हमने बताना है कि मतलब कि बड़ों के लिए, बड़ों की इज्जत करो और घर में सम्मान का एक माहौल बनाओ. मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को संस्कार दो, ताकि कि वो आने वाले टाइम में ये समाज के लिए एक बड़ा अच्छा असेट साबित हो. थैंक यू. भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ. आज सीनियर सिटीजन्स डे है, जो कि हमने कल इसकी ईव सेलिब्रेट की है सीनियर सिटीजन सर्विस सपोर्ट क्लब चुहादी में, जहाँ सब एक सेमिनार का आयोजन किया गया और साथ में सभी लोगों ने वहाँ पे
एक प्री डिनर कह लो एंड हाई टी का प्रबंध किया गया था, और जिसमें सब लोगों ने बड़े अच्छे से आपस में इंटरेक्शन की, सोशल एंड सिविल सोसाइटीज़ के लोग इस पे, इस मुद्दे पे चर्चा हुई कि कैसे हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे इनको और सुविधाजनक बना सकते हैं। और आज यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया है सीनियर सिटीज़न सपोर्ट क्लब की पूरी टीम, जिसके कि फाउंडर चेयरपर्सन है डॉक्टर कस्तूरीलाल महाजन, एंड ये दयाल बेकरी से शुरू होकर छन्नी हिम्मत से ये गीतांजलि तक जाएंगी। इसमें नवीन शिक्षा केंद्र के बच्चे हमारे साथ इस रैली में, बुज़ुर्गों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे ये रैली लेके जाएंगे। और जैसे कि हमने देखा है, जो अपना जो सेंसस बोलता है कि हर 10 आदमियों के बीच में एक सीनियर सिटीज़न है, सो इसका जो राइज है वो बहुत ज़्यादा है। हर घर में एक बुज़ुर्ग है जिसको कि हम बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, और उनकी बस रिस्पेक्ट की जाए, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको मद्देनज़र रख कर थोड़ी नम्रता से उनसे पेश आया जाए। और सोसाइटी में एक इनके लिए एक नंबर लॉन्च हुआ है जो कि हेल्पलाइन नंबर है 14567, मैं दोबारा बोलूँगी 14567, जो कि हर बुज़ुर्ग को याद होना चाहिए। कुछ डायमेंशिया के पेशेंट्स हैं, कुछ अल्जाइमर्स के हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनको निगलेक्ट नहीं किया जाए, कि घर में उनको बिल्कुल सिक्लूड किया जाए, उनको इंक्लूड करें और पुरानी बातों से प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहा जाए। थैंक यू। वरिष्ठ नागरिक दिवस सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है, और इस वर्ष हमारे छन्नी हिम्मत तृप्ता नगर सैनिक कॉलोनी में सीनियर सिटीजन सर्विस स्पोर्ट्स क्लब है, जिसके फाउंडर डॉक्टर कस्तूरी लाल एक्स प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं, उन्होंने बनाया हुआ है। और आज एक रैली का आयोजन किया गया है, जो रैली यहाँ छन्नी हिम्मत पार्किंग दयाल हाउस से लेके पूरे रास्ते को कवर करते हुए पंच मंदिर तक जाएगी। तो लोगों को संदेश देने के लिए है कि वरिष्ठ नागरिक आपके लिए एक वरदान है। कहते हैं कुछ पल बैठा करो बुज़ुर्गों के साथ, गूगल पे हर चीज़ नहीं मिलती। नीचे गिरे हुए पत्तों को अदब से चलना जनाब, कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं से पना ली थी। पसीना उम्र भर का उनकी गोद में सूख जाए, जो जीवन साथी होता है उसके लिए है, पसीना उम्र भर का उनकी गोद में सूख जाए, हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आता है। देखना कभी नम ना हो घर के बुज़ुर्गों की आँखें, देखना कभी नम ना हो घर के बुज़ुर्गों की आँखें, छत से पानी टपके तो दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर उन लोगों की देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है, कर्तव्य भी है जिन्होंने हमारी देखभाल की। आइए उन बुज़ुर्गों की सेवा का हम संकल्प लें। सभी वरिष्ठ नागरिकों आदर पूर्वक अभिनंदन, अभिनंदन। इस दिवस पर वृद्ध लोगों को प्रभावित करने का, कारकों का, मुद्दों के बारे में जागरूकता देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है, ताकि बच्चों को, जवानों को सब तक ये मैसेज जाए कि भाई बुज़ुर्ग जो है हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा काम है। लव सीनियर्स, लव सीनियर्स। नेशनल सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जिसमें नवीन शिक्षा केंद्र के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सबसे खुशी की बात क्या है कि हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी थे, कि जिनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत हमें हर टाइम रहेगी, और उनकी पूरी सपोर्ट रही, वो रैली में हमारे साथ रहे। और ये रैली जो है वो दयाल हाउस छन्नी से स्टार्ट की गई थी, और अभी हमने इसको कंक्लूड किया पंचमंदिर में। और इस रैली को जो ऑर्गेनाइज़ करने में जो सपोर्ट की वो गीतांजलि ने की, और सबका हम धन्यवाद करते हैं। आप मीडिया पर्सन का भी धन्यवाद करते हैं, और यूथ को एक मैसेज देते हैं कि हमें वरिष्ठ लोगों से बहुत कुछ लेना है और हमने उनसे चुराना है। अगर हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी तो हम भारत को विश्वगुरु बनाने में पूर्ण समर्थ होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विजय शर्मा है। आज जो हम ये रैली निकाल रहे हैं, ये 21 अगस्त को वर्ल्ड सिटीजन डे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं, उसके उपलक्ष में आज हमारा स्पोर्ट्स क्लब है चौधरी में, सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स क्लब, जो कि ये इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन उसमें डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने साथ होके एक रैली निकाली है, और उसमें स्लोगन्स दिए उन्होंने
कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट की जाए, कैसे बड़ों को आदर से बुलाया जाए, उनको कैसे उनकी रिस्पेक्ट को कायम रखा जाए, तो इसके बारे में ये पूरी रैली निकली है जो कि हमारे शनि मत से निकली है, क्रिमेशन ग्राउंड से, और ये आज जहाँ पंच मंदिर में ये कल्मिनेट हो रही है। और सब बच्चों ने बड़े जोश हुलास के साथ इसमें मतलब भाग लिया है, और उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो लोग सीनियर सिटीजन क्लब के मेंबर्स हैं, स्कूल्स का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस सेलिब्रेशन के साथ जोड़ा है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स इन फ्यूचर में भी सेलिब्रेट हों, सो दैट लोगों को जो सीनियर सिटीज़न हैं वो अपने आप को एक डिटैच या वंचित ना फील करें। इसके लिए मैं सबको यही कोशिश करते हैं कि आगे भी से ऐसे प्रोग्राम जो हैं ऑर्गेनाइज होते रहें और लोगों को ये मैसेज मिलता रहे। और सबसे ज़्यादा मैं अपने मीडिया पर्सन्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस रैली को कवर किया, और आगे भी हम यही ऐसे ही उम्मीद करते हैं आप लोगों।